तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। हम कैसे जम नियम आदि साधन पालन करेंगे, प्रतिपक्ष भावना के साथ, बाय क्रिएटिंग एन ऑटो सजेस्टिव मैकेनिज्म। जैसे कुछ वितर्क हुआ, कुछ विपरीत चिंतन या विपरीत क्रिया हुआ, साथ साथ उसका काउंटर करने के लिए मन में चिंतन खड़ा हो जाएगा, द प्रोटेक्टिव गियर्स विल बी एक्टिव नॉट टू रिपीट सच मिस्टेक्स एनी मोर। तो अभी हम लोग देखें कि ऐसी करते हुए हम लोग उस डिसिप्लिन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो सहजात हो जाता है और प्रयास करने का जरूरत नहीं होता है। जो सत्य वचन बोलते हैं, प्रथम प्रथम उनको बहुत ध्यान से सतर्क होकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि ताकि सत्य हो रहा है ये मिथ्या हो रहा है। जब वो आदत में बैठ जाता है, वो सत्य बिना बोल ही नहीं पाएंगे। नॉट ओनली दैट, वॉट एवर ही सेज बिकम्स ट्रू, ऐसी तक हो जाता है, उनसे कभी असत्य वचन हो ही नहीं सकेगा। इसको कहलाता है कि इसमें प्रतिष्ठा। तो अभी हम लोग कब तक वो साधन करें, कैसे पता चलेगा प्रतिष्ठा हो गया, इसका भी लक्षण बता दिया महर्षि पतंजलि। प्रत्येक जो साधन है उसका परिणति क्या होता है, हम कैसे पता चलेंगे उसका, हम उसमें सिद्धि लाभ किया है। तो पहले अहिंसा, नॉन इंजुरी, अगर हम किसी को हिंसा नहीं करते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से, सबका कल्याण कामना करते हैं, सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे संतु निरामया, माँ कश्चित दुख भाव कभी, किसी को अनिष्ट कामना नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ऐसी करते करते जब वह से प्रतिष्ठित हो जाएंगे अहिंसा में, क्या होगा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अहिंसा करते हुए हमें पर प्रतिष्ठित हो गया, वो आपका आदत बन गया, इज एस्टेब्लिश्ड, ई कैन नॉट इंज्योर एनी मोर, ऐसे अगर हो जाएगा क्या होगा, वो तो कभी नहीं करेगा, लेकिन उनके साथ में, उनको संग में जो रहेगा वो भी नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। ये बड़ा विचित्र बात बताया। दूसरा, अगर कोई एक व्यक्ति आए, उसके संपर्क में आए, नज़दीक में आए, तत्सन्निधो, नज़दीक में अगर आए, कम नियर हिम, बट उनका प्रचुर हिंसा है, लेकिन ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट सेंटली पर्सन, वो अपना जो हिंसा वो भूल जाएंगे, हिंसा कर्म कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग का फल अमोघ है। जो एक लहमा का अगर सत्संग भी हो जाए, उससे कम बन जाता है। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके नज़दीक आने से जो भी आएंगे इन दैट ऑर्बिट, जैसे रेडिएशन होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वो
मैग्नेटिक फील्ड में एक लोहा दीर्घदिन रहे वो भी चुंबक बन जाएगा। तो उनके सन्निकट में आने से जस्ट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी दैट क्रिएट्स ए ग्रेट चेंज इन दैट पर्सन। ये अद्भुत जो बताया, लेकिन इसमें लक्षण यह है कि अगर वो दूर से व्यक्ति को कल्पना करे, हम लोग कभी कभी तो दूर से रहते हैं वे संत महात्मा को कल्पना करते हैं, उसको संग में है, तो वो भी हमारे मन को प्रभावित करते हैं, शांत करते हैं, लेकिन वैरत त्याग नहीं होगा। वैरत त्याग करने के लिए सन्निधो नज़दीक में आना पड़ेगा। नज़दीक में नहीं आने से वो फलदायी नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा। हम लोग आज के ज़माना में विशेषतः इंटरनेट हो गया तो घर में बैठ के अनेक प्रोग्राम्स हम लोग देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जो आश्रम में जाने से जो ऊर्जा मिलेगा, इफेक्ट होगा, घर में बैठ के वो इंटरनेट देखने से वो नहीं होगा, हो नहीं सकता है। दूर से जो कहा जाता है, अगर दिया का लोग आप दूर से देख सकते हैं, लेकिन उसका जो उत्ताप वो पाने के लिए आपको दिया का लोह का नज़दीक में पहुंचना पड़ेगा, दूर से उत्ताप नहीं मिलेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्टली, बॉडी कैन नॉट फील द वार्म्थ ऑफ दैट फ्लेम अनलेस यू गो नियर इट। तो जो जिसका अहिंसा प्रतिष्ठित हुआ है उनको नज़दीक में जाने से ही आपका वैरत त्याग होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही मार्मिक बात है। हम एक उदाहरण रूप से देखते हैं, राजा महाराज उनके जीवन में है, स्वामी ब्रह्मानंद जी, वो भुवनेश्वर में जाया करते थे, उनके सेवकगण के साथ टहलते थे। भुवनेश्वर उस ज़माना में जंगल अकीर्ण थे, जो जानवर आदि निकलता था, तो एक बार उन लोग टहल रहे हैं तो अचानक से सेवकगण है, अचानक एक शेर आ गया। शेर आने से उन लोग सेवकगण राजा महाराज को बचाने के लिए सामने आ गया। शेर देखते ही राजा महाराज इन लोग को जबरदस्ती कर खींच के पीछे ले दिया, सेवकगण एकदम सामने आ गया। सेवकगण भयभीत हो गए, दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट एंड सेव राजा महाराज, राजा महाराज बहुत बलशाली थे, वेरी स्ट्रांग पर्सन, उनको जबरदस्त कर खींच के पीछे ले दिया और सामने आ गया। लेकिन इन लोग देखा, जैसे राजा महाराज सामने आके उसके ऊपर दृष्टिपात किया, शेर उसको ऊपर देखा, आंखों से आंख मिलकर सिर झुकाया, सिर इधर से उधर किया और पीछे हटकर वहाँ से तुरंत चले गए। तो शेर का जो स्वाभाविक हिंगस्टता है, वैर भाव है, कहाँ चले गए? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। राजा महाराज के उच्च कोटि का जो अहिंसा का जो पालित हुआ जो जीवन, वो जीवन का संस्पर्श में उसका नज़दीक जो भी कोई आवे, और शेर हो और साप हो, वहाँ पर वैरत नहीं हो सकता है। राजा महाराज जानते थे, लेकिन उनका सेवकगण का तो ऐसी अवस्था नहीं है, वो जरूर उनको अटैक कर लेता। तो कई संतों का जीवन में हम देखे हैं कि उल्लेखित है कि उनके संस्पर्श में किसी का कोई हिंसा नहीं होता। जो कई कहानी है कि जंगल में संत साधन भजनरत है और उनके आश्रम में
विपरीत जो प्रवणता के जो जानवर है, शेर और बकरी आसपास में बैठ के उनका भजन सुन रहे हैं। दे डोंट हैव एनी एनिमोसिटी। कैसे हो गया? तत्सन्निधो विरोध्याग। तो जब हम देखेंगे, अगर हम अहिंसा पालन कर रहे हैं, अगर हमारे सन्निकट में जो आते हैं उसका भी हिंसा भाव नहीं रहता है, तब समझना पड़ेगा हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा तो नहीं होगा, और हमारे सन्निकट में जो भी आएंगे उनका भी हिंसा भाव नहीं होगा, तो हम एक इंडिकेट करेंगे हम आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा पर जा रहे हैं, वो हमें लक्ष्य प्रदान करेंगे। ऐसी अन्य सब इसमें भी है जिसको विचार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रथ यात्रा का पावन अवसर है, श्री क्षेत्र में पुरी में श्री श्री जगन्नाथ देव का रथ यात्रा का आज आयोजन है। बहुत ही पावन दिन है। कहा जाता है, रथी च वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका विस्तृत व्याख्यान है, लेकिन यह माना जाता है कि रथ में भगवान को दर्शन करने से और पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आज लखनऊ आश्रम में विशेष उत्सव है, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का काठामा पूजा यहाँ पर होता है। आज के दिन थोड़े दिन बाद काठामा पूजा का अनुष्ठान होगा, वो भी लाइव स्ट्रीम करके सबको दिखाया जाएगा। मंत्र पाठ, भजन, आरती, पुष्पांजलि इत्यादि सब कुछ किया जाएगा। शाम को आज मंगलवार को होते हुए संध्यारती के उपरांत हनुमान चालीसा, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।